हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग और नए जगह में। दोस्तों, आज मैं शिवरात्रि के मौके पर आ चुका हूं उड़ीसा के देवगांव में एक खूबसूरत शिव मंदिर में। दोस्तों, ये शिव मंदिर देवगांव के जंगल में नदी के किनारे बना हुआ है। दोस्तों, ये छोटा मंदिर है जिसमें भक्तों की काफी भीड़ रहती है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, चलिए आपको इस मंदिर का दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर के देवगांव गांव में। दोस्तों आज मैं यहाँ पे शिवरात्रि के मौके पर आया हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे जो मंदिर मैं अभी पहुँच चुका हूँ दोस्तों, काफ़ी जंगल एरिया से आए हैं और इधर देख सकते हैं दोस्तों, इधर काफ़ी भक्त लोग, अभी पूजा चल रहा है अंदर में और अभी हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं। दोस्तों, ये जगह है उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर के दोस्तों बीच में जंगल के अंदर में। दोस्तों, ये पास काफ़ी दूर में गांव है। इधर हम लोग इस रास्ते से आए हैं, अभी काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है दोस्तों, अभी देख ही लिए होंगे आप लोग। तो अभी अंदर चलते हैं मंदिर साइड भी, तो देखते हैं मंदिर भी और दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ का मंदिर कितना खूबसूरत है और काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। लेकिन खूब बहुत जंगल अंदर में है दोस्तों, ये देवगांव गाँव का नाम जो है दोस्तों, ये देवगांव है। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मंदिर है यहाँ पर और चारों साइड देखेंगे तो जंगल और इधर थोड़ा सा पहाड़ी है दोस्तों और काफ़ी पथरीला एरिया है और अभी गर्मी भी काफ़ी लग रहा है और भीड़ देख सकते हैं गाइस, यहाँ तो काफ़ी लंबा लाइन है। और अभी हम लोग पहले तो नारियल लेंगे दोस्तों, यहाँ से नारियल ले लेते हैं, उसके बाद अभी कुछ कुछ गांव वाले आ रहे हैं दोस्तों। उधर भी रास्ता है और इधर एक तालाब है दोस्तों, काफ़ी गड्ढा है लेकिन पानी कम है। और उधर भी एक आगे छोटा सा मंदिर है, शायद जाके देखेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों हनुमान जी का बड़ा सा मूर्ति है, लेकिन इसमें मंदिर नहीं बनाया दोस्तों, खाली ऐसी ऊपर में ऐसी जो छांव बना दिए हैं दोस्तों। अभी मैं हूँ लाइन में और ये देख सकते हैं ये मंदिर है दोस्तों, और अंदर में देख सकते हैं दोस्तों पूजा चल रहा है यहाँ पे और अभी काफ़ी भीड़ है दोस्तों, तो अंदर में दिखा नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों मंदिर पीछे से कुछ इस प्रकार से लग रहा है, अभी ये नया है दोस्तों, काम चल रहा है यहाँ पे, अभी काम चल रहा है तो अभी पूरा काम पूरा नहीं हुआ है, तो मंदिर अभी पेंटिंग वेंटिंग नहीं हुआ है, इसमें कलर पेंट वगैरह नहीं किए हैं, खाली वाइट पेंट है, अभी पेंटिंग चल रहा है दोस्तों। और इधर उड़ीसा में आ चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पूरा उड़ीसा में लिखा हुआ है मंदिर के बारे में, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। अगर आप लोग को उड़ीसा आता है या उड़िया आता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर। और दोस्तों मैं अभी थोड़ा सा पीछे साइड आ गया हूँ, मंदिर जस्ट वो पीछे में है और इधर नीचे में नाला है दोस्तों, एक नाला, छोटा सा नाला है, तो मैं अभी नाला साइड जा रहा हूँ। और इधर देख सकते काफ़ी पत्थर है दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों एक छोटा सा नाला नंदी टाइप का है, नंदी नहीं बोल सकते दोस्तों, नाला है छोटा सा, अच्छा है दोस्तों ये। और इधर हल्का हल्का पानी भी जा रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों, बारिश में थोड़ा ज़्यादा है, ये पूरा भर जाता होगा बारिश में, लेकिन अभी हल्का हल्का जा रहा है पानी, बस ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मछलियाँ भी हैं दोस्तों और मेंढक तो बहुत हैं, और कुछ इस प्रकार का सीन है दोस्तों। उस साइड से हम लोग आए थे, अभी काफ़ी बड़ा बड़ा पत्थर है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। और इधर में ये पास हल्का सा पानी जमा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। और इधर खाना वाना बन रहा है, शायद प्रसाद बन रहा है दोस्तों इधर। और उधर से हम लोग उस साइड से आए हैं, उधर से दोस्तों उस साइड से हम लोग जब भी आए, और उसके बाद अभी पीछे में मंदिर है। और एक गजब का चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों आप लोग को, चलिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा चीज़ है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले यहाँ जाते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों ये क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक लकड़ी का बना हुआ पुल है दोस्तों, देख सकते हैं, आर पार करने के लिए लकड़ी का यूज़ किए हैं, दो लकड़ी काट के यहाँ पे, दो बड़ा सा लकड़ी को काट के यहाँ पे डाले हैं दोस्तों। और इधर कुछ इस प्रकार से नाला टाइप का है, अरे भाई मेरे पैर से छुट के गिर गया। और इधर देख सकते हैं दोस्तों ये जो पुल है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त पुल है दोस्तों, देख सकते हैं, जुगाड़, इसको देसी जुगाड़ बोलते हैं दोस्तों, ये पुल जो दोनों साइड आर पार होने के लिए दोस्तों, इस साइड से उस साइड जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, लकड़ी का पुल है। और जाएंगे तो काफ़ी ख़तरनाक है, गिरने का डर है, काफ़ी छोटा सा है दोस्तों, अरे ये तो हिल रहा है गाइस, ये हिल रहा है, यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। और नीचे गिर गए तो पूरा कपड़ा तो ख़राब होगा होगा, हाथ पैर भी टूट सकता है। और इधर भी काफ़ी अच्छा पानी है दोस्तों, और वो जस्ट पीछे में मंदिर है दोस्तों, उधर देखेंगे तो। और उधर ये इसके ऊपर में जब एक तालाब दिखाया था दोस्तों, वो तालाब है यहाँ पे, उसी के जस्ट साइड से ये नाला बहते हुए आया है। और इसका देसी जुगाड़ देख के तो काफ़ी हैरान हूँ दोस्तों,
यहाँ पे इसके अगर इसमें जाऊँ तो दोस्तों ये हिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये किस प्रकार हिल रहा है। यहाँ जाएंगे तो गिरने हो जाएगा तो पार नहीं करते, तो वापस चलता हूँ दोस्तों मंदिर साइड और चलते हैं गाइस फिर।